दोस्तों, कोरोना वायरस आज खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। ये वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और इसकी वजह से आज दुनिया की आधी आबादी को घरों में कैद कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वायरस चीन में पैदा हुआ और वहीं से पूरी दुनिया में फैला। आपको बता दें, इस वायरस से अभी तक पूरी दुनिया में 34,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि आज के आंकड़े के अनुसार 7,21,908 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना सबसे ज्यादा अमेरिका और इटली में तबाही मचा रहा है। अमेरिका में अभी तक 1,41,801 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें से 2,500 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इटली में 97,689 लोग इस वायरस के चपेट में हैं और उसमें से 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दोस्तों, चाइना, जहां से ये वायरस पैदा हुआ, वहां अभी तक सिर्फ 3,300 लोगों की मौत हुई है, जबकि सिर्फ 81,470 लोग इससे संक्रमित हुए और अब वहाँ नए केस नहीं आ रहे हैं। चीन कह रहा है कि वह इस वायरस को काबू कर लिया है। अब दोस्तों, सवाल उठता है, क्या चीन सही कह रहा है कि उसके यहाँ सिर्फ 3,300 लोग ही अपनी जान गंवाए हैं? क्या ये सच है? जब वहीं से ये वायरस पैदा हुआ है तो चीन में कैसे 3,300 लोग वायरस से खत्म हुए, जबकि इटली और अमेरिका में तो ये वायरस चाइना से आया है, तो वहाँ कैसे 13,000 लोगों की मौत हो गई? तो क्या चीन अपने यहाँ हुई मौतों को छिपा रहा है? तो ये सच है दोस्तों, चीन अपने यहाँ हुई मौतों को छिपा रहा है। आपको बता दें, चीन में इस वायरस से लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई है। इसके हम आपको 2 सबूत बताएंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि चीन में 2 करोड़ लोग कोरोना वायरस से मरे हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन की सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के जो आंकड़े जारी किए हैं, उन पर संशय पैदा होने लगा है, क्योंकि अमेरिका, इटली, स्पेन और इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों में कोरोना से संक्रमितों के मरने की संख्या और चीन के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन की सरकार ने कोरोना से मरने वालों का असली आंकड़ा दुनिया से छिपाया है। दोस्तों, चीन के कोरोना शहर वुहान में जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे कोरोना वायरस का शिकार बने लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के झूठ की पोल 2 बातों से खुलकर सामने आ रही है। पहली यह कि वुहान के एक इलाके से अचानक 5,000 अस्थि कलशों की मांग आई है। कहा जा रहा है कि अगर पूरे चीन में अगर कोरोना वायरस की वजह से मात्र 3,300 लोगों की मौत हुई है, तो फिर अकेले वुहान की एक मार्केट से अचानक 5,000 अस्थि कलश की मांग क्यों आ गई? इसका मतलब यह भी है कि जैसे जैसे वुहान के शवदाह ग्रहों में शवों का अंतिम संस्कार होगा, वैसे वैसे मृतकों की असली संख्या उजागर होती जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो साबित करता है कि चीन में 2 करोड़ लोगों की मौत हुई है, आपको बता दें कि हुबेई प्रांत में इस वक्त 2 करोड़ मोबाइल फोन नंबर बंद हैं। इन मोबाइल नंबरों के बंद होने से कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या पर संशय और गहरा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर अचानक 2 करोड़ मोबाइल फोन कैसे बंद हो सकते हैं। हालांकि चीन की सरकार का पक्ष रखने वालों का कहना है कि ये सभी नंबर वुहान और आसपास के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हैं। जैसे ही कारखाने चालू होंगे, वैसे ही ये नंबर भी चालू हो जाएंगे। लेकिन चीन के इस दावे को कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि कई इंटरनेशनल संगठनों ने सवाल उठाया है कि कारखानों के बंद होने से मोबाइल फोन नंबर बंद होने से क्या संबंध। दोस्तों, आप ही सोचिए, क्या कोई कारखाना बंद होगा तो क्या वहाँ काम करने वाले लोगों के फोन भी बंद कर दिए जाएंगे? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? नहीं ना। तो दोस्तों, ये बात साबित होता है कि चीन झूठ बोल रहा है और वहाँ 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, कुछ संगठनों का कहना है कि चीन में मीडिया आजाद नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि कोरोना से मरने वाले के सही आंकड़े दुनिया के सामने आ पाए। फिर भी जो सच्चाई सामने आ रही है या आएगी, उस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दुनिया के सामने आकर स्पष्टीकरण तो देना ही होगा, क्योंकि उनकी फैलाई इस वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 34,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।